तो देश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसमें 50% केस केरल के हैं। केरल में तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों ने चिंता काफी बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि केरल में कोरोना संक्रमण के फैलने के पीछे वजह ईद के दौरान दी गई कोरोना प्रोटोकॉल की ढील भी है, जिसकी वजह से केरल में संक्रमण के मामले और तेजी से बढ़े हैं। केरल में एक दिन में करीब 20,000 केस सामने आए। तीसरी लहर समझो आ ही गई। अब ये डर सबको सता रहा है क्योंकि कोरोना के मामलों में जिस तरह की तेजी देखी जा रही है, देश में कोरोना के 43,000 नए मरीज, जी हाँ, 29 मई के बाद संक्रमितों की ये सबसे बड़ी संख्या है। अकेले केरल में 50% से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। केरल में एक दिन में 22,129 नए मामले सामने आए हैं। तो केरल में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण इस वक्त नजर आ रहा है। 10% कोरोना संक्रमण दर वाले जिले बढ़े हैं। इन जिलों की संख्या 47 से बढ़कर अब 54 हो गई है। देश के 22 जिलों में मामलों में ये बढ़ोतरी देखी गई है। केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में ये मामले बढ़े हैं। तो सबसे ज्यादा जो चिंता है वो केरल को लेकर इस वक्त दिखाई दे रही है क्योंकि एक दिन में 22,000 नए कोरोना केस वहां पर सामने आए हैं। 51 दिनों का रिकॉर्ड टूट गया है। 20,000 से ज्यादा मामले जब दर्ज किए गए हैं। जांच संक्रमण दर फिर से 12% के पार है और अब तक केरल में कोरोना की वजह से 16,326 मौतें हो चुकी हैं। बीजेपी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर केरल सरकार पर निशाना साधा है और ईद में दी गई ढील को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वही कारण है कि आज कोविड प्रोटोकॉल का जो फॉलो नहीं होता है उससे ये बीमारी आगे बढ़ सकता है। ये बार बार सावधानी बरतने के लिए आग्रह किया जाता है। मुझे लगता है कि इस पर नियंत्रण करने के लिए एकमात्र उपाय है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। लेकिन केरल सरकार ने जिस तरह से दिखाने के लिए किया, एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए, उसका पूरे देश को भोगना पड़ता है। मुझे लगता है कई कारण हो सकते हैं लेकिन यह भी एक कारण जो आप बता रहे हैं स्वाभाविक है कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ धर्म और ये सब लोगों का एक अपना आचार संहिता है, उसके लिए मंदिर मस्जिद सभी बंद होते रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से छूट देने से स्वाभाविक है कि लोगों में उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आगे भविष्य में ये भुगतना पड़ सकता है। तो देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों लेकिन फिलहाल ये मान लेना सही नहीं होगा कि दूसरी लहर चली गई है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कोरोना के मामले कुछ शहरों में दोबारा से बढ़ रहे हैं। ऐसे में और भी ज्यादा सावधानी से कोरोना नियमों का पालन करने की जरूरत है। देश में कोरोना के मामले जब से कम होने लगे तो लोगों को ये लगने लगा कि शायद दूसरी लहर ने भारत को बाय बाय कह दिया है। लोगों ने घर से निकलने के साथ ही लापरवाही भी दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि ये सही नहीं है क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी भी चल रही है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाया है कि देश में 62 ऐसे जिले हैं जहाँ 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं और इनमें से 22 जिलों में संक्रमण के घटने की दर अचानक कम होने लगी है। इस रिपोर्ट में केरल अभी भी बड़ी चिंता बना हुआ है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो धीरे धीरे ही सही मगर अब केस बढ़ रहे हैं। हालांकि ये रफ्तार काफी धीमी होने की वजह से शायद हमें और आपको इसका ध्यान नहीं है। जैसे शुरू के कुछ हफ्तों में एक शार्प डिक्लाइन नोट किया गया था, अब पिछले 2-3 हफ्तों से यह डिक्लाइन में एक जो रेट ऑफ डिक्लाइन है उसमें कुछ कमी भी नोट की गई है, विच रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न। अगर हम 25 जुलाई वाले हफ्ते में नोट करें तो पाते हैं कि 62 ऐसे जिले हैं अभी भी देश में जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं। अभी भी देश में 22 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 4 हफ्तों में हमने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया है। वी मे बी टायर्ड बट वायरस इज नॉट। तो हमें सतत प्रयास करना है कि हम वायरस से अपनी इस लड़ाई को जारी रखें। लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं कि अगर मामले बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर जिस तरह से लापरवाही जारी है उस पर यह तो साफ हो ही जाता है कि कोरोना के मामलों में बढ़त क्यों देखी गई। लेकिन भीड़ और लापरवाही से ज्यादा मॉनसून भी स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बड़ी चिंता बन गया है।
दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि बारिश के कारण होने वाली बीमारियों से संक्रमण फैल सकता है। बारिश में होने वाले खांसी जुकाम से कोरोना संक्रमण लोगों के बीच तेजी से फैल सकता है। मॉनसून और जब बारिशें हो रही हैं तो ऐसे समय में मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों का फैलने का खतरा भी रहता है। और भी अधिक बीमारियां आने का कारण हो सकता है और ये बीमारियां अगर कोएग्जिस्ट करें कोविड के इन्फेक्शन के साथ तो टू दैट एक्सटेंट केस का मैनेजमेंट उतना ही कठिन हो जाता है। यानी अब मास्क और सार्वजनिक दूरी के साथ साथ मॉनसून में होने वाली बीमारियों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटी बीमारियां भी कोरोना को फैलने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। जो एक चीज उभर के आई है कुछ दिनों के अरसे के बाद कि कुछ जिलों में पिछले चार हफ्तों में डिक्रीज की बजाय इंक्रीज हमारे पास विजिबल हुई है, बट इट इज ऑल्सो अ कंसर्न, कॉज फॉर कंसर्न दैट वी हैव टू बी केयरफुल। कोरोना के मामले एक बार फिर भले ही धीमी गति से बढ़ रहे हों, लेकिन इनकी धीमी रफ्तार भी देश के लिए मुसीबत बन सकती है। खासकर दूसरी लहर के पीक में जो हाल हुआ था उसके बाद तो लोगों के लिए सावधानी बहुत जरूरी हो गई है। और अब तो मानसून की बारिश एक नई चिंता बन गई है, यानी कोरोना के इस डबल अटैक के खिलाफ डबल सावधानी रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री मोदी भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देशवासियों को अलर्ट कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि लापरवाही से कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। वहीं राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केरल सरकार की वजह से पूरे देश को कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। जो अभी सेकेंड वेव इतने एक एफर्ट से नरेंद्र मोदी जी सरकार ने एक सेकेंड वेव के साथ एक सक्सेस हुआ हो रहा है, और हम अभी हम एंटिसिपेट करें कि थर्ड वेव हो सकता है। और ऐसे अगर केरल जैसे स्टेट्स फेल होते हैं अपने गवर्नेंस में और कोविड मैनेजमेंट में, ये पूरे देश भर में फैल सकता है और ये थर्ड वेव हम सबको इफेक्ट कर सकता है। तो मैं मानता हूँ कि केरल के सरकार कोविड के मसले पे पॉलिटिक्स ना करें, वोट बैंक की राजनीति ना करें, और ताकि फोकस करें कि इसका एक गवर्नेंस और एक जो एक्शन लेना है ताकि ये जो केसेस कम हो, वैक्सीनेशन ज़्यादा हो। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.